जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए MP पुलिस परीक्षा का एनालिसिस। 8 जनवरी 2022 में जो आपका सेकंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ है, इसमें MP GK GK और GS से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि विवेक सागर किस खेल से संबंधित हैं। ये विवेक सागर हैं जो MP से संबंधित MP से हैं और किस खेल से संबंधित हैं, तो आपका सही आंसर होगा हॉकी। यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है चित्रगुप्त, यहाँ पर चित्रगुप्त मंदिर बताना है ये कहाँ पर है। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था MP GK का, ये सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था चित्रगुप्त मंदिर कहाँ पर है, तो ये आपका खजुराहो में है, तो खजुराहो राइट आंसर होगा। तेली का मंदिर जो है कहाँ पर है ये बताना है। तेली का मंदिर आपके लिए बताना है, तो ये कहाँ पर है, ग्वालियर में। ग्वालियर आपका सही आंसर होगा। मध्य प्रदेश खनिज निगम की स्थापना कब की गई थी, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में। तो मध्य प्रदेश खनिज निगम की स्थापना कब की गई थी, तो 1962 आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि चूलिया जलप्रपात जो है ये किस नदी पर बना है, चूलिया जलप्रपात, तो आपका सही आंसर है चूलिया जलप्रपात जो है ये चंबल नदी द्वारा बनाया जाता है, चूलिया जलप्रपात। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश प्रथम रेप्टाइल पार्क कौन सा है, कहाँ पर है, ये आपसे पूछा गया है। इसी तरह का जो है क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये कहाँ पर है, पन्ना में। पन्ना आपका सही आंसर है, पन्ना राइट आंसर होगा। देखिए पन्ना से संबंधित आपका फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था हीरे की खानों से संबंधित, जो कि पन्ना ज़िले में है। तो पन्ना से संबंधित आपके दोनों शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन पूछे गए हैं। बरमान का मेला ये आपसे पूछा गया है कहाँ पर लगता है, बरमान का मेला, तो आपका सही आंसर होगा नरसिंहपुर। नरसिंहपुर आपका सही आंसर होगा। यहाँ पर पूछा गया है गोटमार का मेला ये बताना है, ये कहाँ पर लगता है गोटमार का मेला, तो गोटमार का मेला आपका जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये लगता है कहाँ पर, छिंदवाड़ा में, तो छिंदवाड़ा आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है उर्दू अकादमी कहाँ पर है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। उर्दू अकादमी मध्य प्रदेश में है, कहाँ पर, भोपाल में, तो भोपाल आपका यहाँ पर विकल्प जो है भोपाल राइट आंसर होगा। देखिए आपसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा, महाराष्ट्र का लोक नृत्य कौन सा है। देखिए यहाँ पर महाराष्ट्र दिया गया है, यहाँ का लोक नृत्य है लावड़ी। लावड़ी जो लोक नृत्य है महाराष्ट्र का माना जाता है, लेकिन जो लावड़ी नृत्य है ये आपका मालवा में भी होता है, कहाँ पर, मालवा में। लेकिन आपसे अगर पूछा गया महाराष्ट्र का लोक नृत्य कौन सा है, तो लावली आपका सही आंसर होगा। अजंता की गुफाएं बहुत ही सरल क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया था। अजंता की गुफाएं कहां पर हैं, तो महाराष्ट्र। देखिए महाराष्ट्र से संबंधित दूसरी शिफ्ट में दो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, तो अजंता की गुफाएँ महाराष्ट्र में हैं। और अगर पूछा जाए किसके द्वारा ये बनवाई गई थी, तो गुप्त शासकों द्वारा इन गुफाओं को बनवाया गया था, अजंता की गुफाएँ जो कि महाराष्ट्र में हैं। जागेश्वरी देवी का मेला या मंदिर ये जो है कहाँ पर है ये आपको बताना है, तो ये जो मंदिर है या मेला ये आपका अशोकनगर में, कहाँ पर, अशोकनगर आपका सही आंसर होगा। मराठी अकादमी कहाँ पर है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया था, मराठी अकादमी कहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 13 है और आपका सही आंसर है ये आपका कहाँ पर है, भोपाल में। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा है लीला जोशी मध्य प्रदेश में कहाँ की रहने वाली हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है लीला जोशी, और ये जो है रतलाम, रतलाम आपका सही आंसर होगा, रतलाम राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है मालवा उत्सव, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मालवा उत्सव कहाँ पर हुआ। देखिए जो मालवा उत्सव हुआ है ये 2021 में हाल ही में अभी हुआ है, कहाँ पर, इंदौर में। इंदौर आपका सही आंसर होगा, इंदौर राइट आंसर है। अभी अपन ने यहाँ पर GK के पढ़े, MP GK और GK से संबंधित। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपके लिए हम विज्ञान के लेकर आए हैं, तो चलिए विज्ञान का फर्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क का भार कितना होता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मस्तिष्क का भार होता है 1350 से 1400 ग्राम, ये जो है आपका सही आंसर होगा।
विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछा था, अब आपका जो है सेकंड शिफ्ट में विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल आपका सही आंसर होगा, विटामिन सी का रासायनिक नाम। आप जो है विटामिन के पूरे रासायनिक नाम याद कर लीजिए, हर पेपर में आपका जो है इससे संबंधित एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो विटामिन के नाम आप रट कर जाइए एग्जाम में। और अगला क्वेश्चन देखिए, माइटोकांड्रिया की खोज किसने की थी, ये आपसे ये सरल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं विज्ञान के, तो माइटोकांड्रिया की खोज की थी किन्होंने, अल्टमैन ने, कब ये की थी इन्होंने 1886 में, कब की थी 1886, याद रखिए 1886 सही आंसर है। अब पूछा है आपसे क्वेश्चन नंबर 19, द्रव सोना किसे कहा जाता है, द्रव सोना किसे कहा जाता है, तो ये आपका सही आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम आपका यहाँ पर सही आंसर है, इसको द्रव सोना कहा जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, और ये पूछा गया है एक्सरे की खोज किसने की थी, तो ये तो सभी के लिए पता होगा, सरल क्वेश्चन है, विज्ञान का क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और एक्सरे की खोज की थी विलहेम रोंटजन जी ने, तो विलहेम रोंटजन आपका सही आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दाब का सूत्र से संबंधित, इस प्रकार का एक क्वेश्चन था आपका, तो दाब से संबंधित एक क्वेश्चन था, इसका सूत्र पूछा था, क्या है इसका सूत्र, इसका आंसर अभी जो है मिल नहीं पाया है, जल्दी जल्दी कर रहे थे, तो आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, रेडियो सक्रियता की खोज किसने की, ये भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता और इसकी जो खोज की थी हेनरी बेकवेल जो थे, इन्होंने रेडियो सक्रियता की खोज की थी, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका यहाँ पर महत्वपूर्ण है, 23वां क्वेश्चन है, भविष्य की धातु किसे कहा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भविष्य की धातु किसे कहा जाता है, और ये कहा जाता है किसको, इस यह कहा जाता है किसको, टाइटेनियम को, टाइटेनियम को क्या कहा जाता है, भविष्य की धातु कहा जाता है, तो आपका सही आंसर होगा। कोशिका का वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये विज्ञान के आपके सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है, 8 जनवरी यानी कि आज ही, तो आपका सही आंसर है कोशिका का वैज्ञानिक नाम है क्या है, साइटोलॉजी आपका राइट आंसर होगा, साइटोलॉजी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा किस को जो है दो बराबर भागों में बांटती है, यानी कि यहाँ पर लिखना था किस नदी को दो भागों में बांटती है, तो आपका सही आंसर क्या होगा, माही नदी। याद रखिए आपका एक और फर्स्ट क्वेश्चन भी आपका फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था चंबल नदी से संबंधित, चंबल नदी जो कि जानापाव से निकलती है, इंदौर जानापाव इसका उद्गम माना जाता है, तो नदी से भी आपका दोनों शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, ये क्वेश्चन थे अपने जीके जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं, इसी तरह का आपके लिए हम पूरा एनालिसिस लेकर आएंगे। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, वहां पर आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ आपके लिए फ्री उपलब्ध है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।